मुजफ्फर साहब बताइए, कल यहाँ पर मीरा रोड के नया नगर इलाका जो मुस्लिम बहुल बस्ती है, यहाँ के आप लीडर है, इस जगह पर कल गीता जैन एमएलए यहाँ पर आई थी। एक प्रोग्राम था शिवसेना का पक्ष प्रवेश का, उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी के लीडर ने ही माइनॉरिटी इलाकों में आकर उनकी जो स्कीम है, जो योजना है, उन योजनाओं से माइनॉरिटी को वंचित रखा है। क्या कहेंगे आप? कल जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में सर्वप्रथम जिन लोगों को प्रवेश दिया गया शिवसेना में, और ये बताया गया कि माइनॉरिटी बड़ी संख्या में शिवसेना में जुड़ रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को शिवसेना ने कल प्रवेश दिया वो लोग यहाँ पर हफ्ताखोरी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, किसी का छपरा निकल गया तो उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, हॉकर से हफ्ता वसूल करते हैं। म्यूनसिपैलिटी में, महानगर पालिका में बीजेपी सत्ता में है, 2.5 साल गीता जैन भी महापौर थी और आज भी बीजेपी की सदस्या है। जो शहर में बाजार लगता है उसका टेंडर निकालने का काम बीजेपी करती है, उसका टेंडर लेने का काम बीजेपी और शिवसेना मिलके करती है, हफ्ता लेने का काम चाहे म्यूनसिपैलिटी का ऑफिशियल पर्ची फाड़ करके लेने का हो या अलग लेने का, ये करने का सारा काम बीजेपी के लोग और सेना के लोग करते हैं। और ये जो कल लोग जो सेना में गए, ये नरेंद्र पार्क से लेके लोढ़ा के बीच में जो हॉकर्स हैं, जिनको कंटिन्यूसली कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स म्यूनसिपैलिटी के प्रशासन के माध्यम से हटाते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं, ये वो लोग, वो हॉकर्स हैं जो कल इनके पार्टी में सेना में गए अपने आप को बचाने के लिए, अपने हॉकर्स के कारोबार को बचाने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा तीर मारने का काम शिवसेना ने मीरा रोड में आकर के, नया नगर में आके, मुस्लिम बहुबल इलाके में आकर के माइनॉरिटी को साथ में लेने का, ऐसा तीर मारने का काम नहीं किया, बल्कि जो इस शहर में तकलीफ है जिन लोगों से, उन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया है। माइनॉरिटी की बहुत सारी स्कीम यहाँ पर लागू नहीं की गई, इस तरह का वक्त हुए, इस तरह का भाषण गीता जैन ने दिया था, क्या कहेंगे आप इस पर कि कौन सी वो योजना है, कौन सी स्कीम है जो खास तौर से माइनॉरिटी के जात के लिए या माइनॉरिटी कौम के लिए वो दी जाती है, जो यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई? पिछले 5 साल से, अभी 7 साल हो गए हैं, बीजेपी महानगर पालिका में सत्ता में है, बीजेपी का एमएलए, बीजेपी की महापौर। 2.5 साल गीता जैन भी महापौर थी, 2.5 साल, 5 साल बीजेपी का एमएलए, आज जो ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कमिटीज होती है उसमें एमएलए मेंबर्स होता है, तो ये 7 सालों के अंदर महापालिका में महापौर बन के बैठने के बाद इनको पता नहीं था कि कौन सी योजनाएं होती है और कौन सी योजनाओं का फायदा किस तरह से देना चाहिए, और इनको ये भी शायद आज तक पता नहीं है गीता जैन जी को कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होते हैं, तो सिख भी होते हैं, जैन भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। आप अगर बीजेपी के खिलाफ में अगर भाषण कर रही थी तो आपका काम है नरेंद्र मेहता के वार्ड में जाकर के जैन समाज के बीच में, जहां पे जैन समाज को भी माइनॉरिटी के स्कीम का फायदा नहीं मिला है पिछले 7 सालों में, आपके खुद के प्रभाग में नहीं मिला है, आपके खुद के प्रभाग में लोग भूखे मर रहे हैं, जिनको 52 जिनाले मंदिर और दूसरी संस्थाएं महीने का राशन देती है, जिनको सरकार की योजनाओं का पैसा मिलना चाहिए, तो वहां पर भी तो नहीं किया आपने, सत्ता में तो आप ही हो, बीजेपी की नगर सेविका आप ही हो, आज सेना के साथ इंडिपेंडेंट बन के आप चले गए हो, सेना के खासदार है, सेना का आमदार है, सेना के पालक मंत्री है, तो फिर खाली नया नगर में आने का, जो हॉकर जिन लोगों की तकलीफ समाज को है उनको सेना में लेने का, और आकर के बोलने का स्थानीय नेतृत्व ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुजफ्फर हुसैन ने और कांग्रेस ने जो इस शहर में किया अपने खुद के पैसे से किया है, कब्रस्तान भी बनाया है, जो कब्रस्तान का कल वो उल्लेख कर रही थी कि कब्रस्तान के लिए भी फंड मिलता है, तो स्मशान के लिए क्यों नहीं लाती हो फंड, कब्रस्तान की बात कर रही थी तो हिंदू स्मशान के लिए लेकर आओ फंड, बरियल ग्राउंड, क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड के लिए लेके आओ फंड, आपके जैन ऋषि महाराजों का जब देहांत होता है, स्वर्गवास होता है, तो उनकी अंत्यविधि करने के लिए अलग जगह बनाने का काम करो, इस तरह से आके समाज के अंदर आके भावना भड़काने का और करने का कुछ भी नहीं, और फिर बोलने का मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, अरे आपने बीजेपी का नगर सेवक पद से राजीनामा नहीं दिया आज तक,
सत्ता का लोभ आपको है, सत्ता का दुरुपयोग तुम कर रहे हो। जो समाज के अंदर लोग हफ्ता वसूल कर रहे हैं उनको तुम शिवसेना में शामिल कर रहे हो। अच्छी बात है, अभी आपको योजनाओं का पता लगा, अभी देखेंगे हम भी। साल भर अभी आपको आमदार बन के हुआ है, आप अभी अगले 4 साल में कितनी योजनाएं लाते हो जैन सिख क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए, कितने फंड्स आप लाते हो और क्या काम करते हो उन योजनाओं के जरिए हम भी देखेंगे। कंटिन्यूसली लोग मेल लिखते हैं मुझे, एक इम्तियाज खान नाम का आदमी है बेचारा, पढ़ा लिखा आदमी है, रोज मुझे मेल भेजता है कि सर ये बानेगर स्कूल और नरेंद्र पार्क और लोडा कॉम्प्लेक्स के पास में हम ये हॉकर से त्रस्त है, परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, फैमिलीज परेशान है, वो हॉकर्स के लोगों को तुम शिवसेना में भर्ती करा रहे हो। तुम्हारे खुद के प्रभाग के अंदर भाजी मार्केट है, शाम में 4 बजे चलने की जगह है क्या उधर? भाईंदर वेस्ट में कहीं पे भाजी मार्केट बनाया क्या आपने? तो दूसरे के इलाके में जाने का, दूसरे की कम्युनिटी में जाने का, वहां जाकर के खाली धार्मिक बाताओं को उछालने का, अरे भाई आप में हिम्मत है तो पहला एक तो बीजेपी का राजीनामा दे दो और पूरी तरह से सेना में चले जाओ। ना तुम बीजेपी छोड़ने को चाहती हो, ना तुम सेना में पूरा जाने को चाहती हो, और फिर बाद में दूसरे के इलाके में जाकर के कहने का कि वहां पे माइनॉरिटी का काम नहीं हुआ है। राज्य में कांग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस इन तीन पार्टियों की मिलीजुली सरकार है, 1 साल लगभग पूरा हो चुका है, अच्छी तरह से सरकार काम कर रही है। वहां पर काम करने का एक अनुभव, और आप यहां पर मीरा भाईंदर शहर के लोकल लीडर है, यहां पर भी आप लोग पक्ष में है शिवसेना और आप लोग, किस तरह से आप लोगों का तालमेल आप लोग बिठाते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए ऐसा है, महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य के अंदर है, यहाँ पर जब स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव हुआ है उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं थी, हमने कोई शिवसेना के साथ में या राष्ट्रवादी के साथ युति करके महापालिका का चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस की अपनी अलग भूमिका है जो है और वो आगे भी रहेगी, इसलिए कोई ये सोचेगा कि हम महाविकास आघाड़ी में है और इसलिए हम चाहिए वैसा कांग्रेस को टिल्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, कांग्रेस वालों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, तो कांग्रेस इतनी कम कुवत नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है इस शहर के अंदर, हमको लड़ने की पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है और अपनी पूरी ताकत से हम अपनी जगह पे लड़ेंगे। अगले साल में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, तो आज के जो हालात है और 1 साल के बाद में जो हालात हुई एक राजनीतिक समीकरण की, जिस तरह से राज्य में आप लोगों की सरकार है, आप लोग मिलकर चला रहे, क्या यहाँ पर भी अलायंस होगा शिवसेना के साथ में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में, या फिर आप लोग अलग अलग लड़ेंगे जैसे कि हर मरतबा लड़ते आए? हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे इस शहर में, हम अपनी ताकत पे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, हम आज तक अपनी ताकत पे लड़ते आए हैं, इसके आगे भी हम अपनी ही ताकत पे, कांग्रेस अपनी ताकत पे यहाँ पर स्थानीय स्वराज्य कॉर्पोरेशन में जो है चुनाव लड़ेगी। 2022 का जो मनपा का स्थानीय नगर निगम का जो चुनाव रहेगा वहां पर कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी, किसी के साथ में नहीं लड़ेगी? बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बोल दिया आज तक हम अकेले लड़ता है, इसके आगे भी हम अकेले लड़ेंगे। प्रभाकर मात्रे जी ने, बहुत हमारे अजीज दोस्त हैं, कल उन्होंने भी अपने वक्तव्य में ये कहा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मीरा भाईंदर में आए, नया नगर का मस्जिद की संगे बुनियाद रखी, तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, कि प्रभाकर मात्रे जी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी मीरा रोड नया नगर में आए थे, गुलाम महमूद बनातवाला मुस्लिम लीग के लीडर, जब सेना और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी उस वक्त हमारे फादर सैयद नजर हुसैन ने उनको यहाँ लाया था, और नया नगर का फाउंडेशन स्टोन रखने का काम 1979 में हुआ था, 60s में नहीं हुआ था, 17 अप्रैल 1979। तो ये आपकी जरा मालूमात जो कम है उसको जरा मैं सही कर देता हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं स्थानीय भारतीय जनता पार्टी पर जो सत्ता में यहाँ पर महानगर पालिका में, उसी के एक जो जो बॉडी है स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ पर जब कई सारे प्रस्ताव आते हैं तो उस प्रस्ताव में कांग्रेस के भी सदस्य मौजूद रहते हैं, तो उन प्रस्तावों का जहाँ पर लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर आपके सदस्य विरोध क्यों नहीं करते? ये सवाल आप गट नेता से, कॉरपोरेशन के और जो कॉरपोरेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी के जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं आप उनसे पूछिएगा। कांग्रेस की भूमिका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की है, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने की है, मगर शहर का
विकास का काम जहां होगा, चाहे वो सत्ताधारी कर रहा हो, हम उसके अंदर शहर के विकास के काम में साथ देते हैं। नहीं, लेकिन उसी विकास के आड़ में आप लोग जो है आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि जिस तरकीब से टेंडर्स निकाले जाते हैं, जिस तरकीब से टेंडर्स की कंडीशंस रखी जाती है, जिस तरकीब से सारा कामकाज किया जाता है, स्पष्ट रूप से जाहिर है कि भ्रष्टाचार महापालिका में चरम सीमा पर है।